जो भी लाएगी वो या तो कूड़े के डब्बे में जाएगा या फिर जैसे हलवा और लड्डू ये कुत्ते के पेट में। देखा ना तूने? समझी है ना दादी? मैंने तो सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि छोटी और उसके बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है ये सब। अब आप ही बताइए ना इसमें क्या बुराई है? अच्छा ही है ना, तो तू ये काम क्यों नहीं करती? एक आध साल तू भी सोंठ के लड्डू खा ले, हो सकता है कोई पेट से हो जाए। अब तू यहाँ से जा और आगे से शक्ल मत दिखाना कभी। लड्डुओं का तो पता नहीं लेकिन तेरे काले साए का असर जरूर पड़ जाएगा सुरभि और उसके बच्चे पर, समझी तू? और हाँ, जा, अब जा यहाँ से, हम कर लेंगे ये सब। मैं कहती हूँ जा। मनिंदर सिंह का घर यही है? हाँ जी, मनिंदर का ही घर है। की गल है दरोगा साहब? ये बंदा सुसाइड कर रहा था। और पूछने पर ये बताया इसने कि इसके ससुराल वाले इसको बीवी और बच्चों से मिलने नहीं देते। क्यों नहीं मिलने देते? ये मेरा पति था, है नहीं। डिवोर्स के लिए फाइल किया है मैंने। एक नंबर का पागल आदमी है, पता नहीं कब क्या कर ले। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, तो आप प्लीज इसे यहाँ से लेके जाइए। सर, मैं अपनी बीवी और होने वाले बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बस। ड्रामा है ये सब, ड्रामा कर रही है। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। बंद करो तमाशा वरुण। मैंने कहा ना, मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा हूँ, छोड़ो मुझे। मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ। खबरदार, खबरदार जो मेरी बहन और उसके होने वाले बच्चे की झूठी कसम खाई। भाभी, ये तो फैमिली ड्रामा लग रहा है। मनिंदर सिंह जी घर पे बैठ के सबको मिलके सल्टा लीजिए, इसमें हमारा क्या काम है? चलो 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 चलो। अरे इसे तो ले जाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, वाह, देख रहे हैं ससुर जी, मतलब मेरी बीवी ने हमारे बच्चे की हिफाजत का जिम्मा एक किन्नर को दिया है। देखिए सौम्य भाभी, बुरा मत मानिएगा लेकिन आप एक किन्नर हैं, और एक बाप का दर्द क्या होता है ना, ये आपको नहीं पता होगा। तो इसलिए मेरे और मेरी बीवी के रास्ते से हट जाइए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हटिए। वरुण भैया, मुझे एक औरत का दर्द जरूर पता है, और अपनी बहन और उसके होने वाले बच्चे की हिफाजत एक किन्नर बहुत अच्छे से कर सकती है। और अगर आपने इन दोनों की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो सबसे पहला सामना आपको मेरा करना होगा। अच्छा, मतलब अब वरुण सिंह एक किन्नर से डर जाएगा? देखिए भाभी, मैं बहुत सनकी आदमी हूं, कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए हट जाइए, हटिए रास्ते से।
दोबारा सौम्या को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। मेरे, तू तो मेरी सिचुएशन समझ गया। सिचुएशन मैं तब तक समझ रहा था जब तक सिचुएशन हाथ में थी। बहुत हो गया वरुण तेरा, तू इन लोगों की जिंदगी से दूर चला जा, यही तेरी जिंदगी के लिए भी अच्छा होगा। कमाल है यार, हद करता है, ऐसे कैसे चला जाऊं मैं? मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मैं उसका होने वाला बाप, तो इसमें कौन सा पाप? बाप? तुझे पता है बाप बनना क्या होता है? चल, मुझे तो नहीं पता, और तू आज तू मुझे नहीं पता होगा तो क्या तुझे पता होगा? तू जो ना कभी बाप बन पाया है और ना कभी बाप बन पाएगा। तू मुझे बताएगा? हाँ, तू मुझे बताएगा बाप कैसे बनते? हाँ, तू मुझे बताएगा? सुरभि अभी और इसी वक्त हमारे साथ घर जाएगी। और डिलीवरी के बाद ही वापस आएगी। सुरभि कहीं नहीं जाएगी, ये सुरभि यहीं रहेगी। हरमन पुत्र, बात को समझने की कोशिश कर। देख, बुरा मत मान, लेकिन हम नहीं चाहते कि सुरभि सौम्या के साथ जाए, सौम्या का साया सुरभि में पड़े। जिंदगी और रोती रहे, हम नहीं चाहते। इन सारी बकवास बातों में आप लोग विश्वास करते होंगे, मैं नहीं। हरमन, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? सुरभि कहीं नहीं जाएगी। दी, जीजू, अब तो जो हो जाए मैं आप लोगों के साथ जरूर जाऊंगी, क्योंकि अब तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे होने वाले बच्चे पर किसका क्या असर पड़ता है। और अगर दादी और पापा सही हो भी जाए तो मुझे कोई दुख नहीं है। वैसे भी आप दोनों से ज्यादा मुझे हमेशा सोमोदी से प्यार मिला है। हर बात में जिद नहीं करते, बड़े जो भी कहते तेरी भलाई नहीं करते। तू नहीं जाएगी। सुरभि, चलिए दी। नानी, सुरभि, मासी ने अपने छोटे वाले बेबी को गुड नाइट तो बोला नहीं। गुड नाइट मेरे बच्चे। रात मारी। अरे ओ शैतान, सोने का वक्त है, खेलने का नहीं। रुक, मैं भी आया। वीर जी, मैं तो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। सब बहुत बड़ी भूल होगी वीर जी, बहुत बड़ी गलती हो गई है। पर पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया था वीर जी, तो मैंने ऐसे कटिया हरकत कर दी। मैं जी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। शर्म नहीं आती तेनू? तू मेरा खून है, मैं तेरी तरह हरकत नहीं कर सकता। लाया ना तुझे पकड़ के मैं बाहर, जा तेरी गलती माफ करता हूँ। हक के अनुसार अब मैं इसकी प्रॉपर्टी के तेरा हिस्सा जो बनता ना, तेन हूने लिख के देना। मैंने कर ली वकील से बात। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी। हरमन जी, हरमन जी, चलिए ना मेरे साथ, चलिए चलिए। अरे लेकिन कहाँ? छोटी के पेट में बच्चा लात मार रहा है, मुझे आपको दिखाना है, चलिए। सौम्या, अरे
सौम्या ये क्या हाथ रखिए ना, हाथ रखिए और कहिए कि छोटा बेबी सौम्या मासी तुमसे खेलना चाहती है। नहीं सौम्या ये मैं कैसे, वो सुरभि मेरी साली है सौम्या तुम। हरमन जी आप भी ना, अच्छा कोई नहीं मैं हाथ रखती हूँ ना, आप मेरे हाथ पर हाथ रख दीजिए। अरे इतना तो कीजिए, अरे पता है लात मारता है सच में अंदर से। नहीं वो हरमन जी आइए। अभी देखिएगा अब लात पड़ेगी। बेबी देखो मासी को आपकी किक सुननी है, चलो शुरू हो जाओ। लात मारी। अरे अभी पेट में है तो ये हाल है, जब ये इस दुनिया में आएगा तो सिर्फ दादागिरी ही करेगा। अच्छा जी आएगा मतलब आपको क्यों लग रहा है लड़का है, लड़की हुई तो सेम से? हाँ लड़कियां दादागिरी ही तो करती हैं। चल अब सो जा। हाँ चलिए आराम से। प्रीता मम्मी जी दी दर्द हो रहा है। मम्मी जी प्रीता रावी जी जी प्लीज जल्दी आइए। एक 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 मम्मी जी प्रीता रावी प्रीता देख डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा शायद। एक मिनट एक मिनट, ऐसी हालत में होता है क्या उम्र है तुझे? एक मिनट एक मिनट। सुरभि ठीक लग रहा है? हाँ कुछ खाएगी? रुक जा मैं देख रही हूँ रुक जा। ठीक है ना, तू भी थोड़ा सा ध्यान से हंसा बोला करना, आठवां महीना है ध्यान रखना पड़ेगा। चल फिक्र की कोई बात नहीं है ठीक है ये, अब तुम लोग भी सो जाओ इसे भी सोने दो। सौम्या चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, तुम आराम से जाके सो जाओ, मैं हूं ना सुरभि के साथ जाओ। ठीक है जी जी, अगर कुछ जरूरत हो ना कमरे में आकर बता दीजिएगा ना। हाँ बाबा तुम फिक्र मत करो मैं हूं इसके साथ जाओ तुम। मैं सोच रही थी कि तुम लोग कल सुरभि को ले जाओ डॉक्टर के पास, आज दर्द उठा है तो कल दिखाने में कोई हर्ष नहीं। हाँ आप ठीक कह रही हैं मम्मी जी। हरमन जी हाँ सौम्या तुम सुबह सुरभि को लेकर चली जाओ। सौम्या मैं नहाकर कपड़े बदल लेता हूँ। जी खबरदार उस दो कौड़ी किन्नर की इतनी औकात कि मुझ पर हाथ उठा दिया, मुझ पर अभी मेरे बच्चे के लिए। किन्नर चा वरुण सिंह तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता है, अब या तो सुरभि और उसका बच्चा मेरा या किसी का नहीं। चाचा की सोच। अच्छा सुनिए ना आपसे एक बात पूछनी थी। वो हरमन जी जब आपके पेट में थे तो आपको भी ऐसा ही दर्द उठता था क्या? हाँ ये जो तेरा हरमन है ना ये हट्टा कट्टा मोटा सा था इसलिए दर्द होता था,
तो फिर आप तब क्या करती थी? मतलब कोई दवा या फिर कोई करना क्या है? ये दर्द तो हर औरत को अच्छा लगता है, इसलिए तो कह रही हूँ सूरभि की फिक्र मत कर, जा सो जा, ठीक है वो। ऐसा कौन सा दर्द होता है जो अच्छा लगता है? अच्छा लग सकता है? कैसा लगता होगा जब बच्चा पेट के अंदर होता होगा? भी अगर मां बन पाती तो शायद ऐसी ही दिखती, और फिर मेरा बच्चा भी पेट के अंदर लात मारता ऐसे ऐसी हालत में चलना उठना बैठना सब कुछ बहुत संभल के करना पड़ता होगा ना? देखती हूँ जरा कैसे चल पाते हैं। कमर पर हाथ रखना पड़ता। उठते बैठते समय भी काफी ध्यान रखना पड़ता होगा ना? बैठ के देखती हूँ। तो बहुत मुश्किल है, बैठूं कैसे कि थोड़ा। कमर पर कितना दबाव पड़ता है, कैसे बैठूं? अब अच्छा लग रहा है। माता रानी ये तो बहुत मुश्किल है, बेचारी छोटी कैसे संभालती होगी अपने आप को? कल मैं उसे बताती हूँ कैसे उठना बैठना चाहिए, वरना उस बेचारी की कमर पर कितना असर होता होगा। माँ बनने का एहसास भी कितना खूबसूरत होता होगा ना, जहां दर्द भी अच्छा लगता, ये वजन ये पेट बिल्कुल भी बोझ नहीं लगता होगा। ये तो वो बोझ होगा जो हर कर्ज हर दर्द से ऊपर होगा, एक खूबसूरत सा बोझ। काश मैं भी इस एहसास को जी पाती, 9 महीने इस बोझ को अपने साथ हर पल जी पाती।